तो भाइयों ये है मेरे पास दो कोको कोला की बोतल और एक है मेरे पास यहाँ पर आरओ प्यूरीफायर। और गाइस इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज कोको कोला को फिल्टर करेंगे। यहाँ पर ऐसा था नॉर्मली इसके अंदर जो है ना पानी को फिल्टर किया जाता है और यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होती है सारे सामान को ये बाहर की साइड में निकाल देता है इस नीले पाइप के द्वारा। लेकिन आज हम यहाँ पर इसके अंदर कोको कोला को फिल्टर करके देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये फिल्टर कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा आप सभी को दिखने वाला है। तो चालू कर दे फटाफट से वीडियो। अब ये जो प्यूरीफायर है ना यहाँ पर आप देख सकते हो कोको कोला के अंदर डाल दिया इसका इनलेट का पाइप, यहाँ से खींच लेगा और यहाँ पर फिल्टर करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होने वाला है इस जार के अंदर निकाल देगा। और यहाँ पर नीचे की साइड में टैंक है जो कि फिल्टर करके जो भी होता है ना पानी वो नीचे की साइड में इकट्ठा कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देख नहीं सकते इसलिए हमने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया कि इसके अंदर जो पाइप जा रहा था उसको मैंने बाहर की साइड में निकाल लिया है और यहाँ पर मैं एक गिलास के अंदर इसको इस टाइप से लगा दूंगा ताकि हमें पता रहे कि कितना यहाँ पर फिल्टर हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको फटाफट से चालू करता हूँ, देखता है क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है मशीन चालू हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो जो बोतल के अंदर जो कोको कोला है धीरे धीरे अंदर की साइड में खींच रहा है और यहाँ पर ये आवाज भी कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो धीरे 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 इसके अंदर से कोको कोला निकलना चालू हो चुका है। और ये देखो अभी क्या है कि यहाँ पर जो हमारे फिल्टर लगे हुए ना सारे फिल्टर भराने के बाद में ऑटोमेटिक निकालना चालू कर देगा। देखो यहाँ पर कोको कोला निकलना चालू हो चुका है। देखो 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 कितना ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है यहाँ पर। ये हमारा सारा का सारा वेस्टेज जो है ना वो सारा का सारा निकालने वाला है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देंगे और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, तो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। देखो थोड़ी सी देर के अंदर यहाँ पर है ना इसने पूरी आधी बोतल कर दी और यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा मटेरियल निकल चुका है वेस्ट। और यहाँ पर जो है ना अभी तक तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा इसके अंदर से पानी निकला है और यहाँ पर जो हमारा कोको कोला निकल रही है वो देख सकते हो कैसे गैस निकल रहा है इसके अंदर से। ये देखो ये इसके अंदर से गैस निकल रहा है। अगर मैं इसको इस टाइप से डुबा दूँ ना तो इसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे। ये देखो ये पूरा सफेद सफेद निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन नीचे की साइड में जाएगा काला काला हो रहा है। और एक और आपको खास बात दिखाता हूँ मैं आपने, एक और बात आपने नोटिस करी हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा कोको कोला इसका बहुत ज्यादा काला कलर है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो इसका जो कलर है थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस आ चुका है, ये थोड़ा फीका फीका पड़ चुका है, यहाँ पर ये काफी ज्यादा काला है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये फिल्टर कर रहा होगा, कुछ मटेरियल इसके अंदर ही दे गया होगा थोड़ा इसको खत्म होने से पहले। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा जार भरने में आ चुका है पूरा और यहाँ पर देख सकते हो बोतल भी है काफी ज्यादा खाली हो चुकी है। तो इस नली को मैं थोड़ा और अंदर की साइड में लगा दूंगा ताकि यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब 2 लीटर की जो पूरी बोतल है वो यहाँ पर खाली होने में आई है और यहाँ पर पूरा जार भरने में आ चुका है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा इसको चेंज कर दूंगा इसके अंदर ताकि हमारा जो है वेस्ट इसके अंदर आ सके। भाई साहब काफी स्पीड में निकाल रहा है ये देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली जगह हमारे पास। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है ना सारा का सारा इसके अंदर आने वाला है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर मेरे कोको कोला जो है सारी सारी खत्म हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर से अभी भी वेस्टेज निकल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है गैस बन चुकी होगी अंदर की साइड में और ये जो है इस टाइप से प्रेशर निकल रहा है, मतलब इस टाइप से कुल्ले कर रहा है इसके अंदर देख सकते हो। और इसके अंदर भी देखो कितना सारा यहाँ पर कोको कोला वेस्ट निकल चुका है भाई साहब, बहुत ज्यादा निकला है यार ये तो। और यहाँ पर हमारे पास जो है इतना और पहले से निकल चुका है और यहाँ पर हमारे 2 लीटर की जो है पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर इनको टेस्ट करके देखते हैं कैसा क्या स्वाद आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा है ना ओरिजिनल जो कोको कोला है इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट वैसे आ रहा है जो नॉर्मली मिलता है ना मार्केट में उसी टाइप का, मीठा मीठा अच्छा लग रहा है। और अभी वेस्ट वाला मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने वेस्ट वाला निकाल लिया है जो मतलब वेस्ट नली के अंदर से निकला था। और यहाँ पर देख सकते हो इसका जो कलर है थोड़ा यहाँ पर फेड हो चुका है, मतलब फीका पड़ चुका है। अभी चेक करता हूँ, यार ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब है ना इसके अंदर कोई गैस नहीं बची हुई है, बस मीठा मीठा पानी पी रहे हैं कोको कोला फ्लेवर डाल के। मतलब है ना जो मार्केट से लेके आता है जैसे पीते ना उसके अंदर मुंह के अंदर जो झाग बन जाते हैं और मतलब एकदम गैस निकलती, सारी की सारी गैस खत्म हो चुकी है और टेस्ट जो है वैसा ही आ रहा है, बस गैस इसके अंदर नहीं है अभी, बस मीठा मीठा स्वाद आ रहा है कोको कोला का और कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि पानी कितना फिल्टर किया है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ भाई साहब, इतना सारा पानी जो है इसने फिल्टर किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी इसको भी पीकर देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो है ना ये 50 ग्राम
पानी भी नहीं है यहाँ पर, बहुत कम पानी निकाला है। पानी बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा है इसका, जैसे नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है ना बिस्लेरी का पानी, उसी टाइप का, जैसे आप आरओ का पीते हैं उसी टाइप का पानी का इसका टेस्ट आ रहा है। और कुछ भी चेंजेस नहीं, कोई भी फ्लेवर नहीं आ रहा, कोई भी मिठासपन नहीं, सारा का सारा जो नॉर्मल पानी होता है ना उसी टाइप का, बस इतना सा किया। यहाँ पर जो हमने ना कोकोला को आपको टेस्ट करके दिखाया, मतलब इससे चेक करके दिखाया, तो यहाँ पर ये हमारा कोकोला का काम नहीं करती है, बस पानी फिल्टर करने के लिए बनी हुई है, तो यहाँ पर पानी फिल्टर कर पाएगी। अभी यहाँ पर अगर आपके दिमाग में और भी खुराफाती आइडिया आ रहा हो तो विशाल भाई इससे हम और भी चेक करके दिखाओ, जैसे मान लीजिए दूध हुआ, चाय हुआ, या फिर कोई और चीज होता ना आपके दिमाग में आ रहा है तो वो आप मुझे बताना, मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। ये जो मशीन है काफी ज्यादा महंगी मिलती है, आप घर पर ट्राई मत करना, आपके घर की मशीन खराब भी हो सकती है, हम यहाँ पर आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए चेक करेंगे। कमेंट करके बताओ कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और फॉलो जरूर कर लेना पेज को भी, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।